2.5 क्वेश्चन 1 विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है, कैसे करेंगे 0.5 और 0.05, तो यहाँ पॉइंट के बाद में 5 है तो ये बड़ा हो गया, यहाँ पर 0 है तो ये छोटा हो गया, तो लिख देंगे 0.5 ग्रेटर देन 0.05। नेक्स्ट आ जाएगा 0.7 या फिर 0.5, पॉइंट के बाद 7 है तो ये ग्रेटर हो गया और ये 5 है तो ये स्मॉलर हो गया, तो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। 7 और 0.7, तो 7 इज ग्रेटर देन 0.7। नेक्स्ट है 1.37 या 1.49, तो 1.37 इज स्मॉलर देन 1.49, 2.03 और 2.30, तो ये बड़ा होगा, 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। 0.8 या 0.88, तो 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज रुपीज यूज इन डेसिमल, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, देखिए रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, यहाँ पर 7/100 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.07, ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज में। अब 7 रुपीज तो ऑलरेडी 7 है ही रुपीज, तो इसको तो ऐसे रख देंगे, प्लस 7/100, तो इसका आंसर हो जाएगा रुपीज 7.07। नेक्स्ट है 77 रुपीज, तो ये तो ऑलरेडी 77 है ही, इसको कर देंगे 77/100, तो रुपीज 77.77 आंसर। नेक्स्ट आ गया 50 पैसा, तो इसको लिखेंगे हम 50/100, तो ये आ जाएगा 0.50, 2.35, 235 पैसा डिवाइड 100, तो ये बन गया रुपीज 2.35 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर, इसे हमें डिफरेंट डिफरेंट में कहीं मीटर किलोमीटर में इनमें कन्वर्ट करना होगा, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। अब 0.05 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलोमीटर में, तो 0.05/1000, तो यहाँ पर ये तो 3 प्लेस हमने इधर लगा दिया, फिर इधर 0 ये वाला और लगा दिया, तो ये हो गया किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है इसका 35 मिलीमीटर, तो 35 मिलीमीटर को लिखना होगा कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में, तो 35/10, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर को यहाँ ले लेते हैं, डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो ये हो जाएगा 2 प्लेस, तो 0.35, यहाँ पर 1 0 लगा देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर में। अब इसे किलोमीटर में कर लेते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, तो इसके आगे हम इधर फिर 3 प्लेस सरकाएंगे, 1 2 3 3 0, तो ये आ गए इसके मतलब के यहाँ पे आ गए, अब ये वाला 0 और लगाएंगे 0.35, इतना किलोमीटर आ गया ये। नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसे एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में, तो 200 ग्राम, 200 ग्राम को डिवाइड कर लेंगे कितने से हम,
1000 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.200 किलोग्राम आंसर, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह से इसको ले लेते हैं, देखिए 3470 डिवाइड 1000, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट होके क्या आ गया, ये 3.470 किलोग्राम। नेक्स्ट आ जाता है 4 kg, तो इसको तो ऐसे रखेंगे हम, 4 kg प्लस 8 डिवाइड 1000, मतलब क्या हुआ कि 4 प्लस 0.008। अब इसको लिखेंगे हम 4.008 किलोग्राम, ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी सम थे, आसानी से समझ में आ जाते हैं।